नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आ जाओ जल्दी से जेलो की आंसर की कैसे मिलानी है। बहुत इजी प्रोसेस है, मुझे भी नहीं पता था, मेरी भी अभी किसी से बात हुई है, उन्होंने इतने इजी प्रोसेस से मुझे समझाया कि मैम ये आंसर की गलत नहीं है, इस आंसर की को समझना इस बार थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी आंसर की गलत नहीं है। हुआ क्या कि जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो ऑनलाइन एग्जाम में ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ऑनलाइन एग्जाम है और क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है और आंसर ए बी सी डी ई है। ये क्वेश्चन जब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 होगा तो ये ऑप्शन भी चेंज हो जाते हैं। तो इस बार आरपीसी ने जो ऑनलाइन में पैटर्न होता है उसी को ऑफलाइन में कन्वर्ट किया है। आप देखिएगा एविडेंस का क्वेश्चन है लेक्स फोरी वाला, जो लेक्स फोरी वाला क्वेश्चन है आपका एविडेंस का थर्ड पेपर का, तो कहीं पर लेक्स फोरी नंबर 1 पे दिया हुआ है, क्योंकि ये इजी वे में आप पहचान जाओगे। कहीं पर लेक्स फोरी नंबर 2 पे दिया हुआ है किसी की सीरीज में, किसी की सीरीज में 3 दिया हुआ है, किसी की सीरीज में 4 दिया हुआ है। अब आरपीसी क्या कहती है, आरपीसी कहती है कि आप 1, 2, 3, 4 मत करें, हमने आपको एक आंसर की जारी कर दी है, आप उस आंसर की को ले लीजिए। अब जैसे मान लीजिए मेरी आंसर की में लेक्स फोरी नंबर 4 पर है, मेरी आंसर की आरपीसी कहती है कि मेरी आंसर की में जो लेक्स फोरी है वो नंबर 4 पर है, तो आप जाके देखिए आपका लेक्स फोरी कहाँ पर है, वो है। इसका मतलब आरपीसी की आंसर की को चेक करने का तरीका मैं आपको समझाती हूँ, आरपीसी की आंसर की कैसे चेक करनी है। आरपीसी के आंसर की ऐसे चेक होगी, आप लिखिए क्वेश्चन साक्ष्य विधि है, साक्ष्य विधि है, ठीक है, और इसका आंसर है लेक्स फोरी, इसका आंसर है लेक्स फोरी, बस। अब कोई ऐसा हो जो हम बच्चों की मदद कर दे और सभी क्वेश्चन के आंसर ऐसे लिख के दे दे कि क्वेश्चन और उसका आंसर, और देन आप जाइए अपनी आंसर की में और उसको चेक कर लीजिए। इस तरह से आपको, क्योंकि टोटल 16 सेट बने हैं, टोटल यहाँ पर 16 सेट बने हैं, अब 16 सेट के आंसर की तो जारी निकलेगी। आरपीसी कहती है कि हमने कोई कोई आंसर की जारी कर दी, उसमें साक्ष्य विधि का मतलब है लेक्स फोरी। तो अब आपके पास जो जो भी पेपर है उस पेपर में चाहे लेक्स फोरी किसी भी जगह पे क्यों ना हो, आंसर लेक्स फोरी करना है, इस तरह से आंसर की चेक करनी है, तो आरपीसी के आंसर की गलत नहीं है। अब आता अगला सवाल कि कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्शन है, वो तो स्वाभाविक वाला ऑब्जेक्शन होंगे, लेकिन ये जो आंसर की गड़बड़ी हो रही है, आंसर की में कोई गड़बड़ी नहीं है, आंसर की चेक करना हमें पता नहीं था, तो आंसर की आपकी बिल्कुल सही है। अब इस पैटर्न से आप अपने आंसर की चेक करो तो आपके आंसर की सही हो जाएगी। ठीक वैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का अपने एक सवाल था कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्लेस कहाँ हो सकता है, यानी जो आर्टिकल 130 से क्वेश्चन आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्लेस, तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जो है प्रेसिडेंट की कंसल्ट से कर सकते हैं, ये अब आपका आंसर है। तो आप 16 सेट में से जिसका एक सेट दिया वो तो इजी वे में कर लो, और बाकी लोग जाके ढूंढो वो आपका ऑप्शन कौन सा है, 1, 2, 3, 4 जहाँ पर भी वो उसका आंसर है, ऐसे करके आप अपने आंसर की चेक कर सकते हो। तो नाउ समझ गए आंसर की कैसे चेक करनी है, इनको आप वन लाइनर क्वेश्चन आंसर बनाओ पहले, फिर वन लाइनर क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे और देन चेक योर आंसर की, तो टाइम लगेगा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लगेंगे, चलो कोई नहीं, लगने दो ना, जब इतना समय लगा दिया इस जेलो के लिए तो ये भी लगा लीजिए, ठीक है। तो नाउ आंसर की चेक करना होगा इजी, और जिस स्टूडेंट ने मुझे बताया उनका नाम धर्मेंद्र है, और धर्मेंद्र आपको थैंक यू सो मच इसको क्लियर करने के लिए, आज के लिए धन्यवाद।